हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गोरख चौधरी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी मुझे रनिंग पॉज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग जो शायद आपने नहीं देखा होगा। ये आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा था पहले वीडियो में, वो ये आ चुकी हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन गायों की कुछ खासियत, कुछ खास इनके बारे में। तो ये जो है जंगल में नेचुरल जो ग्रेजिंग है, ये सिर्फ वही खाती हैं, इनके लिए कोई चारा वगैरह नहीं होता है। ये कुदरती वहाँ पे कुछ जड़ी बूटियाँ वगैरह भी जो होती होंगी उनको खा लेती हैं। ये एक से दो लीटर दूध देती हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इनकी हाइट कितनी कम है, और आप देख सकते हैं ये हमारे साथ हैं अंकल जी, यहाँ के लोकल रहने वाले दोस्तों। तो आइए बात करते हैं इन गायों के बारे में। इधर चलना है ठीक। हाँ अंकल जी, आप वीडियो पर आप बताइए इन गायों के बारे में, कितना दूध दे देती हैं ये गाय? मैंने ये डेढ़ दो किलो दूध दे देती है। देने वाली 2 किलो। अच्छा, तो ये चर के जो ये पहाड़ है इन पे अपने आप आ जाती हैं? नहीं नहीं, हम दिन भर वहीं रहते हैं इनके साथ। अच्छा अच्छा, टाइगर वगैरह का भी डर है ना। अच्छा, टाइगर भी रहते हैं यहाँ जंगल में? अच्छा, वो इनके मारे हमें रहना पड़ता है इनके साथ। अच्छा अच्छा, मैं तो मारते इनको। अच्छा ये तो है। तो अंकल जी इनको चारा वगैरह ये अपने आपको अपने पास से कोई इंतजाम नहीं करना रहता ये सब उसी से? जैसे आपके यहाँ कुट्टी कट्टी का साधन करते हैं ना। अच्छा, वैसे ही हम लोग कुट्टी बना के इसमें मजा नहीं। हाँ, कुछ चावल या आटा कुछ मिला के। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो अंकल जी इनके दूध में काफ़ी पौष्टिकता होगी जब ये यहाँ नेचुरल घास जड़ी बूटियाँ वगैरह सभी कुछ आती है। तो अंकल जी इनका जो ये घी वगैरह होता है वो आप इकट्ठा करते हैं क्या? कंटिन्यू रनिंग। हाँ, इतना भी काम होता है इकट्ठा करके, मैंने 2 महीने में तो कह दिया तो दे दिया। अच्छा अच्छा, नहीं तो वो जो हुआ खा लिया, वही खा लिया। तो जैसे बेचने के लिए नहीं होगा फिर? अच्छा, कंटिन्यू रनिंग ठीक। जैसे कभी बिकता है तो क्या रेट रहता है इन गायों के घी का? 600 रुपए किलो। इतना पौष्टिक घी बस 600 रुपए किलो में? रनिंग कॉस्ट ठीक ठीक है अंकल जी, मिलते हैं कभी बोले की नगरी नीलकंठ में। ओके हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे थे, मैंने दिखाया आपको यहाँ की कुछ गायों के बारे में कुछ खास इंटरेस्टिंग, जैसा कि आपने और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश या हरियाणा या पंजाब से, तो आप जान सकती हैं कि जो है हम उसके लिए उनको चरई, बाजरा, ये सब ज्वार वगैरह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, बरसीन वगैरह, तो ये सब दिया जाता है हरे चारे में जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं, खुद उगाते हैं उसको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो गायें जा रही हैं ये इन पहाड़ों पे होती हुई नेचुरल ग्रेजिंग करेंगी और शाम को फिर ये दूध देंगी। ये जड़ी बूटियाँ वगैरह भी खाती हैं, बहुत अच्छा इनका पौष्टिक दूध रहता है, और ये कुदरती सारा सब कुछ जो भी है वो खाती हैं, कोई भी मैन मेड चीज़ ये नहीं खाती हैं दोस्तों। और ये दूध कम देती हैं लेकिन इनके दूध में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो काफ़ी हाई है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग आगे हमको जंगल में देखने के लिए मिलेगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं सामने ये दो भोले वेट कर रहे हैं, तो हम अभी नीचे की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं नीलकंठ महादेव से। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, इधर की तरफ देखते हैं, ये जो हमारा सामने जो आपको टावर दिखाई दे रहा है ये इधर की तरफ हमारा रास्ता है, हमें इधर प्रस्थान करना है इधर की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं फिर, ये हमारे दो भोले। जय भोले की बोले। जय भोले की। ठीक है भोले, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपका दोस्त गौरव चौधरी, जय भोले की।